करनाल के नए अनाज मंडी के समीप लोकदल द्वारा करनाल सीएमसीडी में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने पार्टी के कार्यालय उद्घाटन उपरांत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकदल लोगों की पार्टी है, जो चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और सर छोटू राम द्वारा बनाई गई थी, जिसको दोबारा सक्रिय करते हुए पूरे प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लोकदल अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रदीप हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मुख्य मुद्दा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से टक्कर लेना रहेगा और मौजूदा सरकार द्वारा प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, कर्मचारियों के साथ भेदभाव, किसानों के साथ भेदभाव और गरीब व मजदूर की अनदेखी करना, महिलाओं के साथ आए दिन दुष्कर्म होने जैसे मुख्य मुद्दों को उजागर कर जनता के बीच में जाएंगे और लोकदल को हरियाणा में दोबारा से सक्रिय कर प्रदेश में पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश संयोजक सतबार चहल, राजवीर सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज लोकदल ने अपना चुनाव कार्यालय करनाल में उद्घाटन किया। लोकदल ही ऐसी पार्टी है हरियाणा में जिसने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। बड़ौदा में हमारे उम्मीदवार हैं कुलदीप सिवात, सबसे पहले इस विधानसभा चुनाव में हमने घोषणा की और आज सबसे पहला पूरा हरियाणा में जिला में जो कार्यालय खोला वो करनाल विधानसभा में हमने खोला है चुनाव कार्यालय। तो हम इससे खट्टर से टक्कर का आगाज, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे खट्टर से टक्कर नहीं, मुद्दों को जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता हमें वोट देगी ना? यहाँ किसानों की कोई वो की है, ना जवानों की कोई की है, ना युवाओं के लिए किया है कोई, ना शिक्षा में सुधार है, ना स्वास्थ्य में सुधार है। आप सभी को पता है कि करनाल में सबसे ज्यादा हत्याएं जो हुई है वो इन पिछले 5 सालों में हुई। और करनाल से मैं ये नहीं कहूँगा, यहाँ से सिर्फ विधायक है, यहाँ से मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार का। और 374 हत्याएं, इतना बड़ा आंकड़ा है जो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को दिखा। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप? लोकदल सभी 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। कोई घोषणा भी की है किसी की? जी बिल्कुल, मैंने अभी आपसे बताया कि सबसे पहली घोषणा हमने बड़ौदा विधानसभा से कुलदीप सिवाज प्रत्याशी हमारे, उनकी हो चुकी है। और करनाल से किसको दौर रहे हैं आप? करनाल से अभी करनाल के जो लोग हैं, करनाल के लोगों का मिजाज जानने आए हैं। करनाल से जो करनाल के किसानों का और युवाओं का, बेरोजगारों का जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है, ऐसे कैंडिडेट को हम यहाँ से करते हैं। आप यूपी बेसिस हो, यूपी से आप आए हैं, लोग कैसे? नहीं, यूपी से बेस नहीं, मेरा रोहतक से बेस है। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले ये चौधरी चरण सिंह की पार्टी है। और आज जो ये बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस बात कर रहे हैं, जिस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, वो 87 में 85 सीटों का रिकॉर्ड लोकदल ने ही बनाया। और इस बीजेपी को उठने के लिए जगह लोकदल ने ही दी थी, उन्हीं के साथ हमारे साथ वो अलायंस करके अपने पैर जमा पाए थे हरियाणा में भी और भारत में। तो आप जो आपकी सरकार या आपका कैंडिडेट बनता है तो लोगों को क्या आपको कोई पेंशन सुविधा क्या देने की कोई घोषणा, क्या वादे करेंगे? अगर हमारे यहाँ से लोकदल विजयी हुआ तो मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि अगर विधायक चुना गया, चाहे सरकार आए ना आए, ठीक है, सिर्फ विधायक हुआ तो भी ना यहाँ किसानों की समस्या रहेगी, ना यहाँ युवाओं की समस्या रहेगी, बेरोजगारी को इस क्षेत्र से। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।